डबरा में श्री गुरु नानक जी के पावन प्रकाश पर्व पर विशेष समागम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सिरोही गुरुद्वारा चिनोर रोड से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर कीर्तन प्रारंभ होकर शहनाई गार्डन पर समापन हुआ। नगर कीर्तन में युवाओं का जोश देखने को मिला। शहनाई गार्डन में श्री गुरु परंपरा की एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गुरु नानक देव से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक के 10 गुरुओं की जीवनी प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में सिरोही गुरुद्वारा कीर्तन जत्था श्री गुरमेज बाबा जी के मार्गदर्शन में और फूलबाग गुरुद्वारा कीर्तन जत्था के द्वारा कीर्तन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह भल्ला, सहारा हॉस्पिटल संचालक, विशिष्ट अतिथि बाबा बलविंदर सिंह सूरी समिति अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चित्रकला, भाषण, निबंध में स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। भाषण प्रतियोगिता में छात्रा जूनियर वर्ग की मनस्वी शर्मा ने चार साहबजादे पर अपना भाषण दिया और सीनियर वर्ग की छात्रा मुस्कान मेघरानी ने सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज सरकार पर अपने विचार व्यक्त किए। नगर में किए गए कबड्डी प्रतियोगिता में भी गुरु नानक दल को विजेता के रूप में पुरस्कार दिया गया। डबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश से राजेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।